सादरा जिले के थाना आनंद बिहार के इलाके में दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चार लोग दो मोटरसाइकिल और एक होंडा सिटी के अंदर आए और एक बिल्डर को फिल्मी स्टाइल के अंदाज में उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रोका और गाड़ी रोकने के बाद पिस्टल के दम पर उनसे डकैती की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का कैश और लैपटॉप व कागज लेकर बदमाश बाइक से फरार हो गए। डकैत जिस गाड़ी में आए थे वह गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जिनके साथ डकैती हुई वह किशन नगर इलाके में रहते हैं और बिल्डर का काम करते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और दो लोग गाड़ी में आए और गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद वे पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। आज ये एक गाड़ी आ रही थी, ये जो आगे खड़ी है, इसने इस पीछे वाली गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और दो लड़के मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने जो है इस गाड़ी को अपनी गाड़ी ओवरटेक करके पीछे वाली गाड़ी को रोक लिया, जिसमें जो है जिसका माल लूट के ले गए वो बैठे हुए थे। तो दो लड़के मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने उतर के क्या नाम गाड़ी में रिवाल्वर दिखाई उनको। रिवाल्वर दिखाने के बाद एक फायर भी किया। फायर की डर की वजह से उन्होंने जो है गेट का दरवाज़ा खोल दिया और उसमें दो बैग रखे हुए थे, भारी भारी बैग थे, दो बैग उठा के बहुत मोटरसाइकिल पे फरार हो गए। अच्छा, क्या जो चारों लोग थे, क्या वो हेलमेट पहने हुए थे, कैसे थे वो लोग? वो जो है ना हेलमेट पहने हुए थे और चेहरा भी तकरीबन उनका क्लियर नहीं नज़र आ रहा था और रिवाल्वर उनके हाथ में थी और रिवाल्वर हाथ में होने के बावजूद उस जिसकी गाड़ी रोकी है उसने जो है रिवाल्वर के डर की वजह से गेट खोल दिया। गेट खोलते ही बैग उठा के वो भाग गए, इतना देखा मैंने। अच्छा, एक बात और बताओ कि जो लोग थे गाड़ी में कितने लोग थे, मोटरसाइकिल में कितने लोग? गाड़ी में दो लोग थे और मोटरसाइकिल पे दो लोग थे। अच्छा, लूट के बाद वो लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार हो गए। कितनी मोटरसाइकिल थी? दो मोटरसाइकिल थी। चार लोग थे? चार लोग। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।